Assalamualaikum everyone, how are you all? So, आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने लाजमी पढ़ लिया होगा. वीडियो का टॉपिक यही है कि मैंने अपनी राहित की केयर किट दिखानी है कि मैं उसके लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ. ज़रूरी नहीं है यही सब चीज़ें आप भी यूज़ करें, लेकिन मैं मुझे जो अपने बेबी के लिए बेस्ट लगती है मैं वो यूज़ करती हूँ. करते हैं फ़ौरन से स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग के भी पास टाइम नहीं है. हम सबका टाइम बहुत कीमती होता है, तो वीडियो को फ़ौरन से स्टार्ट कर देते हैं. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मुझे इतने टाइम में समझ में आई हैं, और मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी की हैं और इसमें से हटाई भी हैं. तो मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने यूज़ करी हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली जो जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी है, जो जो राहत के लिए मैं यूज़ करती हूँ. सबसे पहली चीज़, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जब बच्चा पैदा होता है, रैशेस हो जाते हैं. चाहे आपने कितनी भी केयर करनी है, और रैशेस से मैं बहुत परेशान हुई हूँ, राहत भी बहुत परेशान हुए हैं, तो रैशेस तो हो ही जाते हैं चाहे कुछ भी कर लें. लेकिन मेरे पास फिर भी एक सोल्यूशन था, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी. तो लास्ट चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सुटेबल लगी, जो कि मैं विंटर में भी यूज़ कर रही हूँ और समर में भी मैंने यूज़ करी है, वो है गो रैश पाउडर. अच्छा, मैंने बहुत सारी जॉनसन्स की भी क्रीम यूज़ करी थी, सब कुछ यूज़ किया है. सुडोको क्रीम जो होती मैंने वो यूज़ करी, बट मुझे ये बेस्ट लगी. एक तो ये आराम से हट भी जाता है और इससे रैशेस बिल्कुल भी नहीं होते. सो दिस इज़ द थिंग जो कि मैं यूज़ करती हूँ राहत की केयर किट में, ये मस्ट है और इसके बगैर मैं कहीं भी नहीं जाती. ठीक है. अच्छा, सुबह होती है और सबसे पहला काम जो मेरा होता है ना, उसको विटामिन ड्रॉप्स देना होता है, क्योंकि विटामिन ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एटलीस्ट 3 to 6 months तक आपने लाजमी देने हैं. तो विटामिन ड्रॉप आपको भी डॉक्टर ने लिखे होंगे, हर बेबीज़ को लिख देते हैं. तो डी मैक्स के ये एक रोज़ाना एक ड्रॉप राहत को मैं देती हूँ. ये इसकी मेडिकेशन केयर में आ जाता है, मेडिकेशन केयर में. अच्छा, सुबह की ही रूटीन में ये दो चीज़ें और ऐड करूँगी. तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है मेरी राहत की. एक ये है, ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, इससे पहले मेरे पास नहीं था. तो ये है फिंगर टूथब्रश, दिस इज़ द फिंगर टूथब्रश. इस तरह से ये बना हुआ था, वेरी सॉफ्ट, और यहाँ पे इसका टंग क्लीनर है, यहाँ पे इसके गम्स क्लीनर है, और इसके साथ ये बॉक्स आता है. ये पता नहीं कौन सी ब्रांड का है, बट ये कोई अच्छा ब्रांड है. रूट है, ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था, तो वहाँ पे मैं दूसरी ब्रांड का, मैं फर्लिन का ले रही थी, बट फर्लिन का ये था कि उसका वो नहीं था, बॉक्स नहीं था, तो मैंने ये ले लिया. अब ये रूट है, ये भी अच्छा ब्रांड है, ज़्यादा एक्सपेंसिव था फर्लिन के मुकाबले. तो ये चीज़ भी एक लाजमी है जो कि मैं रोज़ सुबह इसकी राहत का माउथ क्लीन करती हूँ. ठीक. अच्छा, पहले मैं राहत की नोज़ क्लीन करने के लिए कॉटन बड्स यूज़ करती थी, जिससे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी. डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, तब तक मुझे पता नहीं था. तो वो मैंने अपनी किट में से रिमूव कर दिया, कॉटन बड्स मैं यूज़ नहीं करती. मैंने ये लिया है नोज़ पंप जो करता है, ये भी मैंने फर्लिन का लिया है. तो ये बहुत सॉफ्ट सा पंप है और ये क्लीनर है. इसको आपने फिर ये रिमूव होता है, आप क्लीन कर लें और इसको वॉश कर सकते हैं आराम से. नोज़ पंप यूज़ करा करें, कॉटन बड्स यूज़ मत क्या करें. तो ये भी इसकी मॉर्निंग रूटीन की एक चीज़ है. ठीक है. उसके बाद जो लोशन ऑयल्स आजकल बहुत सारे ब्रांड्स के आ गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड हैं, बट मैं सिर्फ एक पे ट्रस्ट करती हूँ, जो कि है जॉनसन्स बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी शैम्पू लोशन. आई हैव ऑल द थिंग्स ऑफ जॉनसन्स. ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा दूसरी बॉटल है. मैं दूसरे ब्रांड पे नहीं जा रही कि किसी की स्मेल अच्छी है या कुछ अच्छा है, तो मुझे उनके केमिकल से भरोसा नहीं है. पता नहीं कौन से केमिकल यूज़ किए हों, और फिर वैसे भी आँखों में साबुन चला ही जाता है कुछ ना कुछ करके. सोप एंड ऑल द थिंग्स जो भी जॉनसन्स की है केयर किट की, वो सारी मैं जॉनसन्स की ही यूज़ करती हूँ. ठीक है, इसको भी साइड में रख देता हूँ. उसके बाद अच्छा, मैं ना राहत के जब शैम्पू करती थी ना, तो उसके पहले जब ये गंजा नहीं होता था, तो उसके काफ़ी घने बाल थे, और उसमें ये होता था कि मैं उसको रब नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ से तालू तो खुला हुआ होता है बच्चों का, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने बोला ये इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे कोई स्पंज चाहिए, बेबी स्पंज मैं ढूंढ रही थी बट वो नहीं मिला. तो खैर, मुझे फर्लिन का मैंने ये ब्रश ले लिया है. ये बेसिकली न्यू बॉर्न को काम करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न के जो बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं, चिपके हुए होते हैं. अगर आप चाहें तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि राहत के प्रॉपर बाल थे. तो मैं इसको यूज़ करती हूँ उसके शैम्पू हटाने के लिए भी और लगाने के लिए भी. तो मैं इससे पूरा अच्छे से उसके स्कैल्प को स्क्रब कर देती हूँ, और ये बहुत सॉफ्ट है, तो उसको ज़्यादा ज़रा सा भी हार्म नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए. देखो इतना सॉफ्ट है, तो
ये एक चीज है। साथ साथ ही सेट में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक ये कॉम भी आ जाता है, इस तरह का राउंड सा है, सॉफ्ट सा है और छोटा सा कॉम है, फर्लिन का है ये भी, और ये भी इसके साथ ब्रश है फर्लिन का, बहुत अच्छी चीज है। और ये बाद में आफ्टर वॉश, रहित के बाल तो अभी खैर छोटे हैं बट पहले बड़े थे तो मैं ये यूज करती थी। अच्छा उसके बाद, अच्छा नहाने के बाद ना मैं कोई लोशन नहीं लगाती, नहलाने के बाद राहित को मैं डायरेक्ट बेबी ऑयल लगा देती हूँ, उससे ये होता है कि इसकी बॉडी अच्छी खासी देर तक मॉइस्चराइज रहती है नेक्स्ट डे तक, और लोशन जो होता है बहुत जल्दी से उड़ जाता है, तो लोशन मैं फिर दोबारा से लगाती हूँ, लेकिन जब नहाने के बाद, और आजकल बहुत ड्राई सीजन है तो बेबी ऑयल ही यूज़ करें, बहुत अच्छा आराम से ऑब्जर्व हो जाएगा, अच्छा है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर तो पहले नहीं था हमारे पास, ये जस्ट राहित का है, तो ये एक ये लाजमी ले लें, क्योंकि सम टाइम होता है हमें टेम्परेचर फील हो रहा होता है बट हो नहीं रहा होता बेबी को, उसके हाथ गर्म हो रहे होते हैं, राहित के भी सब बहुत दफ़ा हो रहे होते हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि, लेकिन इसमें जब तक नहीं आएगा तो यानी कि नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, आप ऐसे ही फील करके पैनाडोल कभी भी नहीं पिला दें कि गर्म हो रहा है तो हमने पैनाडोल पिला दी, तो ऐसा नहीं करें, थर्मामीटर ले लें, थर्मामीटर में चेक करके पिलाएं। ठीक है, कॉन्सेंस का ना पाउडर है ये मेरे पास, बट मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं पाउडर यूज़ करने के लिए बेबी के लिए, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती अभी, असल में मेरे पास क्लोन था वो जो कि ख़त्म हो चुका है और मिल नहीं रहा, तो ये मैंने एज आ साइड पे रखा हुआ है कि कभी कभी चलो कोई बात नहीं कर देंगे, लेकिन वो भी मैं इसकी सिर्फ बैक पे लगाती हूँ, फ्रंट पे नहीं लगाती हूँ, अगर फ्रंट पे लगाएंगे तो ये होगा कि सांस के ज़रिए अंदर जाएगा, पीछे से भी जाता है उसके पार्टिकल्स पाउडर के, तो खैर मैं इसकी यहाँ पे लगा देती हूँ पीछे, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अभी जो है मार्केट में स्टॉक वो जो है ख़त्म हो चुका है जॉनसन्स के क्लोन का, तो इस वजह से मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। वेल ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी मेडिकेटेड चीज़ें दिखा देती हूँ, जो जो मैंने मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ राहिद के लिए, और थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं अगर उसका गला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब वो 5 मंथ का हो गया है और इस तरह की बहुत दफ़ा चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, कभी उसका गला ख़राब हो जाता है, कभी उसके नाक बंद हो जाती है, तो उन सब की हिसाब से मैंने हर चीज़ ले ली है, और एक एक दफ़ा भी अगर उसको पिला दो या एक एक दफ़ा भी ड्रॉप्स ही है, ज़्यादातर बच्चों के ड्रॉप्स ही हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, मतलब मुझे पूरे दिन की खुराक नहीं देनी पड़ती कि सुबह दोपहर शाम, मैं बस एक एक दफ़ा कर देती हूँ, अगर उसकी पॉटी सही नहीं हो रही है तो मैं उसके लिए भी एक एक दफ़ा की। ठीक है, तो अगर उसको जैसे पॉटी नहीं की है, पूरा दिन गुजर गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो या कलर अजीब सा है, ब्राउन या ग्रीन अगर है तो वो डेंजर होता है, तो उस टाइम पे इसका, या पेट में दर्द है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं, इसमें मैं कॉलिक ड्रॉप्स इसको पिला देती हूँ, और सिर्फ एक दफ़ा पिलाती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम वेट करती हूँ, अगर सही हो गई है तो ज़रूरत नहीं है बार बार क्यों पिलाएं, और सिर्फ तीन या कभी अगर मैं अच्छा, और ड्रॉप्स भी सिर्फ 3 ड्रॉप्स पिलाती हूँ, ये नहीं कि आपने भर के 5, 6, 10 डाल देनी है, नहीं मैं सिर्फ 3 ड्रॉप्स डालती हूँ, क्योंकि कम ही हो उतना बेहतर है, तो सिर्फ 3 ड्रॉप्स डालती हूँ, फिर वेट करती हूँ, अगर इसका सिस्टम सही हो गया तो नहीं पिलाती, अगर हो नहीं हुआ तो एक और दफ़ा पिला देती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक दफ़ा इसको भी खांसी हुई थी, हमारे घर में पेंट हुआ था तो इसको खांसी हो गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास ज़्यादातर नहीं जाऊँ, तो मैंने अपनी बहन से पूछ के एक ये ड्रॉप मंगा लिया था, कोफर्ब है, राहिद को बहुत खांसी हो रही थी और इससे काफ़ी सही हो गई थी, और इस पर लिखा हुआ है कि 6 मंथ की जो एज है उससे आपने 12 to 14 ड्रॉप्स पिलाने हैं, तो राहिद अंडर 6 मंथ है तो 12 मंथ ड्रॉप्स नहीं पिलाए थे, मैंने उसको सिर्फ 7 ड्रॉप्स पिलाए थे इसके कोफर्ब के, और 3 times a day, तो ये काफ़ी वर्क किया था, और इसको मैंने प्रॉपर एक पूरा, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने उसको तकरीबन 3 दिन तक ये पिलाई थी और अच्छा हो गया था, तो कोफर्ब अगर खांसी है, छोटी मोटी खांसी है तो आप ले लें, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाएँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसकी अक्सर नाक तो बंद हो ही जाती है, पहले जो मैं कॉटन बर्ड से क्लीन कर देती थी इसकी नोज़, तो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं पहले ये डाल देती थी, ये है नॉर्जलाइन पी, ठीक है, ये ले लें, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली पानी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इफ़ेक्टिव ही है, अगर आपके बच्चे की नाक बंद है तो दूध पिलाने से पहले आप एक एक ड्रॉप दोनों नोज़ में डाल दें और जो है थोड़ा सा रब करें और उसके बाद दूध पिलाएं, ताकि वो सुकून से दूध पी ले, तो उस वक्ती तौर पर तो उस टाइम पर नोज़ उस नाक उसकी खुल जाएगी, तो ये ले लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्जलाइन है ये और बेस्ट, तो ये मैंने लिया हुआ है, जब भी मुझे लगता है उसको नज़ला हो रहा है, उसकी नाक बंद हो रही है, तो मैं ये डाल देती हूँ।
अच्छा उसके बाद है एक ये ऑयल है जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था, ये ऑयल है, मैंने इसको ड्रॉपर में डाल दिया है। ये दो प्रोडक्ट से मिलके बनता है जिसका मैं बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डाल देती हूँ नीचे, आप वो उस वीडियो में देख लें कि हाउ टू मेक दिस ऑयल, इसका फ़ायदा क्या है कि इससे आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगती, सर्दी से बहुत प्रोटेक्ट करता है। और जब से मैंने ये लगाना शुरू किया है, मैं रोज़ रात को राहत के चेस्ट पे और तलवों पे लगा देती हूँ, पाँव पे, तो और उसके बाद उसको पैक करके सुला देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। जब से उसको सर्दी लगी ही नहीं है, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, उसको तब से सर्दी ही नहीं लगी है, तो ये बहुत बेस्ट ऑयल है जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को सर्दी से बचाना तो वो वीडियो देख लीजिए। सेकेंड लास्ट चीज़ है वाइप्स, जो कि मैंने बहुत सारी यूज़ करी है, बट मुझे मैंने बोना पापा की भी यूज़ कर ली, जॉनसन्स की भी यूज़ कर ली, एंड कौन सी यूज़ करी और कौन सी यूज़ करी पता नहीं, कौन सी एक और भी कोई की थी, और फिर मैंने कूल एंड कूल भी यूज़ की, और मुझे जो सबसे बेस्ट लगी वो कूल एंड कूल की लगी है वाइप। तो ये कूल एंड कूल की वाइप्स हैं, एक तो ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, उसकी इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट वाइप्स है जो मुझे अभी तक अच्छी लगी, कोई पैम्पर्स की कोई किसी चीज़ की भी मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं सबको कौन सी अच्छी लगती होगी, बट दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। तो कूल एंड कूल की वाइप्स बहुत सॉफ्ट है, इससे रैशेज़ भी नहीं होते, रैशेज भी नहीं होते, और खुशबू भी इतनी अच्छी है इसकी, और देर तक आती भी है। सो बेस्ट वाइप जो मेरी तरफ से है, रेकमेंडेड, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले लें, कूल एंड कूल की दुआएं देंगे मुझे, बहुत सॉफ्ट है क्योंकि। अच्छा फिर मैंने टीथर लेना था राहिद के लिए, क्योंकि राहिद आजकल लार बहुत निकाल रहा है और उसको शायद गम्स में इचिंग हो रही होगी, तो मुझे टीथर चाहिए था। अब टीथर का ये होता है कि वो गिरते रहते हैं और फिर वो गले में लगाओ तो फिर उसमें जरासीम लगते हैं, गले में टांग भी दो तो सब जो गोद में ले रहा है जरासीम लगते हैं, तो मैं मिटन तर ढूंढ रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा था, ये मिल नहीं रहा था, ये मैंने बच्चा पार्टी से ही लिया था और वहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो गया था जब मैं गई थी, फिर मैंने उनसे बोल के मंगवाया था कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये मिटन तीतर ले लिया राहिद के लिए। इसका ये है कि आप उसने उसके हाथ में पहना दिया, ठीक है, और वो आराम से पहन लेगा, तो वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अभी राहिद छोटा है और वो होल्ड नहीं कर पाता चीज़ों को, तो उसके लिए बहुत अच्छा और इजी हो गया है ये टीथर। और ये बॉयल नहीं होता इसकी, ये बहुत बुरी बात है, इसको आप स्टेरलाइज नहीं कर सकते, बट मैं इसको अपने हाथों से वॉश कर लेती हूँ। और फीडर्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एक इवेंट की यूज़ करती हूँ और दूसरा मैंने शील्ड की ली हुई है, शील्ड की थोड़ी रीज़नेबल है बट वो इवेंट जैसी ही है, और वो एंटी कॉलिक भी होती है अगर आपको आपका बच्चे को कॉलिक प्रॉब्लम है, जो कि यूजुअली हर बच्चे को होती है अनफॉर्चुनेटली, तो खैर अगर आपको बच्चे को वो प्रॉब्लम है तो आप इवेंट की या शील्ड की फीडर्स ले लें। तो ये थी छोटी सी राहत की केयर किट, जो कि बहुत ही दिनों में मुझे समझ में आई कि ये चीज़ें एक्चुअल में चाहिए होती हैं बच्चों के लिए, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ली थी और अभी तक पड़ी हुई हैं और वो बहुत यूज़लेस हैं, जैसे कि ड्राई वाटर है वो पड़ा हुआ है, शायद मैंने फेंकना है अब वो, और भी बहुत सारी क्रीम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, वैसलीन से, वैसलीन भी मुझे आज तक काम नहीं आई क्योंकि राहत की ना लिप फटते, बट पता नहीं मैंने क्यों ले ली, तो खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काम नहीं आई हैं बट मैंने ले ली। तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो देख लेंगे, वीडियो काम आएगी, और अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।